Today we are discussing about development, chapter 1 of 10th class. तो यहाँ development यानी विकास क्या है, तो विकास से हमारा अभिप्राय क्या है, उन परिवर्तनों से है, उन परिवर्तनों से है जो हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं। तो वो सभी चेंजेस जो हमें ऊपर उठाने में, हमें उन्नति की ओर ले जाने में मदद करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो विकास एक व्यक्ति का, एक देश का, दोनों ही रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि विकास के सभी व्यक्तियों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे। जिस प्रकार से एक व्यक्ति है वह शराब पीता है, उसको शराब से ज़्यादा विकास किसी बात में नज़र नहीं आता, लेकिन जो व्यक्ति शराब नहीं पीता उस पर इसका क्या होगा, पास बैठने से उसको बदबू आती है, उस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसी प्रकार देश में भी जब विकास होता है तो सभी व्यक्तियों पर उसका समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बाघड़ा, बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, बड़े बड़े बांध बनाने से बिजली पानी इन सब की समस्याएँ जो हैं उनका समाधान होता है कि नहरों में पानी जाएगा, खेतों में इससे सिंचाई होगी तो पैदावार अच्छी होगी। लेकिन वो व्यक्ति जो वहाँ से विस्थापित किए गए हैं बांध बनाने के कारण, उन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और उस पर वो क्या कहेंगे, वो इसको अपना विकास नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वो परिवर्तन जो उन्नति की ओर ले जाएं, उन परिवर्तनों को हम क्या कहेंगे, विकास। लेकिन समझने के लिए दो अलग अलग बातों में विकास के लिए हम क्या चीज़ निर्धारित करें कि जिसके आधार पर हम कह सकें कि हमारा विकास हो गया है। तो मुख्य तो हम प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई तो हम कहते हैं ये विकास हो गया, प्रति व्यक्ति आय कम है तो हम कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। तो देशों की भी तुलना जब करते हैं, विकासशील, अल्प विकसित और विकसित देश जब कहते हैं, तो इसका आधार यही है प्रति व्यक्ति आय। तो क्या होती है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बटे में जनसंख्या। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो वो हमारी क्या आ जाती है, प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो किसी देश के विकास का बढ़िया सूचक नहीं है। तो जब आंसर आता है कि क्यों बढ़िया सूचक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय तो तब भी बढ़ जाती है जब क्या बढ़ी हो, सिर्फ और सिर्फ कीमतें बढ़ी हुई हों। कई बार क्या होती है, राष्ट्रीय आय दुगुनी हो जाती है लेकिन जनसंख्या की वृद्धि तीन गुना हो जाती है, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ पाती, तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए राष्ट्रीय आय की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम अपना एक घरेलू छोटा सा उदाहरण लेकर करते हैं। मान लो हमारे घर में क्या है, चार सदस्य हैं, चार सदस्य हैं और घर में एक किलो सेब आते हैं जिसमें चार मात्रा है, चार सेब आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से एक एक सेब आता है। लेकिन अब घर में क्या है, सदस्यों की संख्या 12 हो जाती है लेकिन सेबों की संख्या पहले की तुलना में 2 किलो कर दिया। कहने के लिए तो हम ये कहेंगे कि अब हमारे घर में 2 किलो फ्रूट आता है, फ्रूट की मात्रा क्या कर दी, दुगनी कर दी। लेकिन अब विकास नहीं होगा क्योंकि पहले हर एक के हिस्से में एक एक आता था, अब हर एक के हिस्से में जो आएगा वो एक एक नहीं आएगा क्योंकि अब फ्रूटों की संख्या हमारे पास 8 है लेकिन जनसंख्या दुगनी से भी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर फ्रूटों की संख्या हमारी 4 से 8 हुई है लेकिन सदस्यों की संख्या 4 से 12 हो गई। तो यही राष्ट्रीय आय का है कि जनसंख्या बढ़ जाती है तो राष्ट्रीय आय का प्रभाव को वो निष्प्रभावित कर देती है। तो विकास के लिए हम प्रति व्यक्ति आय को लेते हैं और प्रति व्यक्ति आय भी कौन सी हमारी होती है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, वास्तविक आय। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय क्या होती है, जो प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय होती है उसकी क्रय शक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कहते हैं। तो विकास को जानने के लिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक आर्थिक समृद्धि या सिर्फ समृद्धि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा है आर्थिक विकास। क्योंकि विकास से हमारा अभिप्राय अर्थशास्त्र में हम कर रहे हैं तो विकास से यहाँ हमारा अभिप्राय आर्थिक विकास से है। और इसमें थोड़ा सा अंतर जानने के लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करूँगी, आर्थिक समृद्धि। तो क्या अंतर है,
आर्थिक समृद्धि जब सिर्फ तीन, जब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घ काल तक वृद्धि होती है तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक समृद्धि कहेंगे। लेकिन आर्थिक विकास में, ये आर्थिक विकास एक विस्तृत धारणा है जबकि आर्थिक समृद्धि क्या है, इसी का एक हिस्सा है। आर्थिक विकास में हम प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के साथ साथ और भी चीजों को लेते हैं, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ये तो हो गया आर्थिक समृद्धि। इसके साथ जब हमारी क्या हो, गरीबी में कमी, में कमी, बेरोजगारी में कमी, आय की असमानता में कमी, और इसके साथ साथ जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, जन्म दर में कमी, जन्म दर व मृत्यु दर में कमी, ये सब हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। कि आर्थिक विकास में सिर्फ राज्य, तो ये सब परिवर्तन जब किसी अर्थव्यवस्था में हो जाते हैं तो उसको हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो गया है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति में हम लेते हैं कि व्यक्ति का विकास हो गया तो प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसका जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, उसके रहन सहन में सुधार होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य इन सभी चीज़ों पर उसका खर्च ज़्यादा होना चाहिए, तब उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि आर्थिक विकास हो चुका है इस व्यक्ति का, वरना वो आर्थिक समृद्धि की श्रेणी में आएगा। कई बार एक किसान होता है, काफ़ी इनकम कमा लेता है लेकिन वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च नहीं कर पाता, न ही अपने स्वास्थ्य पर, न ही उसके रहन सहन पर कोई ज़्यादा सा खर्च वो करता है, तो वो व्यक्ति विकास उसका नहीं हुआ है, वो उसकी सिर्फ समृद्धि हुई है। तो ये दोनों शब्दों में क्या है, मुख्य अंतर है। इसके साथ साथ इस चैप्टर में जो हमारा आएगा वो एक शब्द आएगा, राष्ट्रीय आय। तो क्या है राष्ट्रीय आय, एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष मतलब लिखने का वर्ष हमारा, एक लेखा वर्ष लेकर एक वर्ष होता है लिखने का, क्योंकि जितने भी हिसाब किताब होते हैं हम वो एक वर्ष पर करते हैं। तो एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं, तथा इसमें विदेशों से निवल कारक आय को शामिल किया जाता है। तो एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाएं, तो एक शब्द हमारा आया है अंतिम वस्तु तथा सेवाएं। तो क्या होती हैं हमारी अंतिम वस्तु तथा सेवाएं, वे वस्तुएं और वो सेवाएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं, यानी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जिनके मूल्य को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, उनका या तो हम अंतिम बार निवेश के लिए प्रयोग कर सकते हैं या उनका हम उपभोग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी गेहूँ है, ये अंतिम वस्तु नहीं है क्योंकि गेहूं से क्या बनाया हमने, आटा बनाया, आटा से बेकरी वाले को बेचकर वहां पर बिस्किट बनाई, तो बिस्कुट को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे क्योंकि बाकी दोनों चीज़ों का मूल्य बिस्कुट के मूल्य में ही क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। इसी प्रकार एक शर्ट है, शर्ट में कपास है, कपड़ा है, इनके मूल्य को अलग अलग शामिल नहीं करेंगे, राष्ट्रीय आय में हम सिर्फ शर्ट के मूल्य को शामिल करेंगे क्योंकि कपास और कपड़े का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल हो चुका है, वो अंतिम वस्तु शर्ट है, लेकिन कपास है वो मध्यवर्ती वस्तु है, तो राष्ट्रीय आय में हम सिर्फ अंतिम वस्तु जिसके मूल्य को अब हम और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ उन वस्तुओं के मूल्य को शामिल करेंगे। तो ये था, अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर में, कुछ और जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो जितने क्वेश्चन होंगे उनके अंदर हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसमें है एक हमारा प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय सबसे मुख्य निर्धारक है, तो ये हाँ प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित होता है क्योंकि ये तो सर्वमान्य है, सभी के द्वारा सभी देशों में प्रचलित है, सबसे मुख्य धारणा है कि प्रति व्यक्ति आय जिसकी अधिक होगी वो उस देश का विकास होगा। दूसरा है हमारा औसत साक्षरता, औसत साक्षरता। तीसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और चौथा है उपरोक्त से भी।
तो इसमें हमारा क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि विकास हम ले रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ औसत साक्षरता, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। तो इन सभी के आधार पर हम बताते हैं कि किसी देश का विकास हुआ है या नहीं हुआ। फिर अगला है, पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो हमारे ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा नेपाल, तीसरा ऑप्शन है हमारा श्रीलंका और चौथा है पाकिस्तान। तो इन सभी देशों में से श्रीलंका की स्थिति जो है वो हमारे से बेहतर है। बाकी तीनों देश हर लिहाज में, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो या मानव विकास सूचकांक हो, हमसे नीचे हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है, मान लीजिए एक देश में चार परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, 5,000 है। जो प्रति व्यक्ति आय है, आय है वो कितनी है, 5,000 रुपये है। अगर तीन परिवारों की जो आय है वो हमारी क्या है, तीन परिवारों की आय वो कह रहा है 4,000 रुपये है, एक परिवार की हमारी 7,000 रुपये है और एक परिवार की 3,000 रुपये है। तो पूछा गया है कि चौथे परिवार की आय क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, सिर्फ हमें उसका तरीका लगाना है। राष्ट्रीय आय बटे में जनसंख्या, तो राष्ट्रीय आय क्या है, हमारे राष्ट्र में हमारे ये चार व्यक्ति हैं, तीन की दी हुई है, चौथे को हम चौथा व्यक्ति लिख दो या उसकी जगह एक्स लिख दो या आप चौथा व्यक्ति लिख दो, तीन की दी हुई है। तो नंबर राष्ट्र जनसंख्या कितनी है हमारी, 4 है। तो अब क्या कर लो इसको, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग आर पार गुणा करने पर, तो ये कितना हो गया, 20,000 हो गया आर पार गुणा करने पर। और ये हमारा कितना आ गया, 7 और 3 10 और 4 14, 14,000 जमा में चौथा व्यक्ति। अब 20,000 में से हम क्या करेंगे, 14,000 घटा देते तो इक्वल टू चौथा व्यक्ति। अब हमारे चौथे व्यक्ति की जो आय है वो कितनी होगी, 6,000 रुपये। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कहता है, वो कहता है विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं, सीमा मतलब कमी। तो विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है वो विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए, विभिन्न वर्ग कौन से, कि अमीर देश कौन सा है और गरीब देश कौन सा है, इसका वर्गीकरण करने के लिए वो किस मापदंड का प्रयोग करता है। तो आप आंसर दोगे कि विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को एक मापदंड के रूप में प्रयोग करता है। उसके अनुसार क्या है, वो देश जो 2004 में जिनकी प्रति व्यक्ति आय हमारे हिसाब से क्या है, 4,53,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे अधिक है, वो तो हमारे क्या कहलाएंगे, विकसित देश कहलाएंगे। दूसरी ओर वो देश जिनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 47,000 है या उससे कम है, वो देश क्या कहलाएंगे, गरीब देश या निम्न आय वाले देश कहलाएंगे। तो एक निर्धारित मापदंड रख दिया प्रति व्यक्ति आय, कि जिनकी प्रति व्यक्ति आय से ऊपर है वो क्या है, हमारे अमीर देश हैं और अमीर को हम क्या कहेंगे, विकसित, और जिनकी कम है उसको अल्प विकसित देश कहेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने ये आंकड़ा निर्धारित कर दिया। अब वो कहता है इसकी क्या कोई सीमा है, तो इसकी सीमा हाँ है सीमा, क्योंकि इससे सिर्फ प्रति व्यक्ति आय से ये तो पता चल गया कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई घट गई, लेकिन प्रति व्यक्ति आय से हमें ये नहीं पता चलता कि देश की आय में लोगों का बंटवारा किस प्रकार हुआ है, कि प्रति व्यक्ति आय का मापदंड जो है अमीर और गरीब के भेदभाव को क्या कर लेता, छुपा लेता। हमारी प्रति व्यक्ति आय तो एक औसत आय है राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से, हो सकता है अमीर की तो प्रति अमीर की जो आमदनी है वो बढ़ गई हो और गरीब की पहले से कम हो गई हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय फिर भी क्या आएगी, बढ़ी हुई आएगी। तो इसके सबसे मेन जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी कमजोरी है वो यही है कि ये जो हमारी आय की विषमताओं को
नहीं दिखाता, दांव को छुपाता है। दूसरा, इससे हमें यह नहीं पता चलता कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो किस कारण से बढ़ी हुई है। कई बार क्या होता है, कुछ देशों की कई बार प्रति व्यक्ति आय तब भी बढ़ जाती है जब हम जो हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले शराब, गांजा, गुटखा इन पदार्थों का उत्पादन करते हैं तो भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लेकिन इसके द्वारा विकास पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें दो बातों का हमारी क्या है, कमी है कि प्रति व्यक्ति आय किस तरह से बढ़ी है, एक तो हमें ये नहीं पता चलता, और प्रति व्यक्ति आय जो है विषमताओं को छुपा लेती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं, सीमाएं मैंने कमियां हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो हमें अपने उदाहरण देने हैं। औसत एक ऐसा मूल्य होता है जो आप आंकड़ों के समूह की विशेषताओं को प्रकट करता है। तो विभिन्न देशों के अलग अलग जनसंख्या होती है, इसलिए कुल आय से पता नहीं चलता कि अंतर कितना है, आपस में इनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो औसत का प्रयोग कर लेते हैं हम, राष्ट्रीय आय 1/2 में जनसंख्या है तो जितना भी होता है हम औसत निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से हम आपस में एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना कर सकते हैं, एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ तुलना कर सकते हैं, या एक प्रांत की दूसरे प्रांत के साथ तुलना कर सकते हैं। इसका पता हमारा औसत आय से पता चल जाता है कि कौन हमसे अमीर है, कौन हमसे गरीब है। तो औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे बढ़िया है मापदंड जो हम एक दूसरे के साथ तुलना करने के लिए अपनाते हैं। लेकिन वो कहता है क्या इसकी कोई कमियां हैं, तो हाँ इसकी बहुत सारी कमियां हैं। औसत कई बार क्या होता है, सर्वाधिक मूल्यों से प्रभावित होता है। मान लो हम राष्ट्रीय आय या 2-3 विद्यार्थी हमारी उनकी आय जोड़ते हैं, एक का जेब खर्च 2 रुपये लेके आता है, दूसरा 10 लेके आता है, और तीसरा हमारा जो है 500 रुपये लेके आता है। 1 20, 1 10 और तीसरा 500 रुपये जोड़ोगे तो ये हमारा क्या हो गया 530। बटा में क्या करोगे, हम 3 करेंगे। तो औसत संख्या जो हमारा औसत आया, अब इसको इससे कट करें, तो 176. तो ये हमारा क्या है, 2 की तो इतनी आय ही नहीं हो सकती। सिर्फ इस एक आंकड़े ने इस पूरी संख्या को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। तो कई बार जो सीमांत मूल्य होते हैं, सर्वाधिक जो अधिक मूल्य होते हैं, वो पूरी श्रृंखला को प्रभावित कर देते हैं। इस तरह से छोटी छोटी इंडस्ट्रियां होती हैं और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, वो पूरे के पूरे औसत को प्रभावित कर देती है। फिर हमारा जो है औसत जो है, कई बार श्रृंखला कि जो बनावट है उसके संबंध में हमें कोई संकेत नहीं देता, गलत सूचना हमें मिल जाती है। जिस प्रकार 2 फैक्ट्रियां हैं, एक पहले साल 1000 रुपये कमाती, दूसरे साल 2000 और तीसरे साल 3000 कमाती हैं, तो दोनों इसका जोड़ हमारा कितना हो गया 6000, और इसको 3 से भाग करते हैं तो औसत हमारा क्या आ गया 2000 रुपये आ गया। अगली फैक्ट्री ऐसी है जो पहले 3000 कमा रही थी, दूसरे साल 2000 कमा रही है और तीसरे साल 1000 रुपये कमा रही है। हमने तो एक ही निष्कर्ष निकाल लिया कि दोनों की औसत आय जो है वो औसत आय समान है, जबकि निष्कर्ष क्या था, गलत था। ये फैक्ट्री नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है यानी उन्नति कर रही है, लेकिन ये फैक्ट्री के लिए तो बड़ी दुखदायी बात है, ये फैक्ट्री तो क्या हो रही है, गिर रही है। पहले से इसका जो उत्पादन है, इसका जो लाभ है वो घटता जा रहा है। तो हमें तो घटने के कारणों को एनालाइज करना था, लेकिन हमें पता ही नहीं कि घट रहा है, बढ़ नहीं। औसत ने तो ये कहा कि दोनों फैक्ट्रियां समान रूप से क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार औसत आय से पता नहीं चलता कि वह आय लोगों में कैसे वितरित हुई है। तो औसत आय सिर्फ अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव भी हमें नहीं बता पाती। तो ये औसत से संबंधित हमारी कुछ कमियां हैं।